हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन से जुड़े ऐसे मिथ्स के बारे में जो अक्सर लोगों के मन में बना रहता है अपने स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग को लेकर। हो सकता हो आप इनमें से कुछ मिथ्स को जानते भी हों और कुछ नहीं भी, इसलिए वीडियो को बिना किसी स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मिथ्स कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक गलत हैं। मिथ नंबर वन, मुझे अपना फ़ोन रात भर चार्जिंग में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रात में हम फ़ोन को यूज कर रहे हों और हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए, फिर हम चार्जिंग पर लगाकर सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद निकाल देंगे, लेकिन आंख लग जाती है और ऐसा हो नहीं पाता। सुबह उठते ही पाते हैं कि हमारा फ़ोन पूरी रात चार्जिंग पर लगा रहा और हम टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमारी बैटरी ख़राब ना हो जाए। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन की बैटरी को फुल होने के बाद सप्लाई ऑटो कट कर देती है, जिससे कि आपके फ़ोन की बैटरी में सप्लाई रुक जाती है और आपके फ़ोन पर चार्जिंग का सिंबल बना रहता है। जब आपकी बैटरी जैसे ही थोड़ी डिस्चार्ज होती है, सप्लाई ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और फिर से आपका फ़ोन चार्ज होने लगता है। यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपका फ़ोन चार्ज में लगा रहे। इससे हमारी बैटरी को नुकसान नहीं के बराबर होता है, तो आगे से निश्चिंत रहें। कभी भी अगर गलती से रात भर फ़ोन चार्जिंग पर लगा रह जाए तो टेंशन ना लें। मिथ नंबर टू, स्मार्टफोन को बैटरी सेवर मोड पर रखना अच्छा होता है। दरअसल दोस्तों स्मार्टफोन को हमेशा बैटरी सेविंग मोड पर रखना उसी प्रकार है जैसा कि आपके पास एक बहुत बड़ा और शानदार बेडरूम है, लेकिन आप एक स्टोर रूम में रहना पसंद कर रहे हो। दोस्तों फ़ोन को सेविंग मोड पर बहुत ज़रूरी हो तभी रखना चाहिए। इससे होता यह है कि जब आप स्मार्टफोन को बैटरी सेवर मोड पर डालते हैं तो इसके बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स काम करना बंद कर देते हैं। केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही फ़ोन का फोकस ज़्यादा होता है, जिससे आप स्मार्टफोन को यूज करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस का लो हो जाना, फ़ोन लैगी होना, वॉल्यूम का डाउन हो जाना और एक्स्ट्रा फीचर्स का यूज़ ना कर पाना। तो बाकी आप समझ ही गए होंगे कब आपको बैटरी सेविंग मोड ऑन करना है और कब नहीं करना है। मिथ नंबर थ्री, मेरा फ़ोन पब्लिक चार्जिंग पोर्ट में बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेवल कर रहे होते हैं या फिर किसी होटल में रुके हों, अक्सर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल ही जाते हैं जिसमें सिर्फ आप USB केबल के थ्रू अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह ज़्यादातर सेफ नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे सॉकेट से दूर ही रहने की कोशिश करें, क्योंकि यह सॉकेट पूरी तरीके से आपके फ़ोन में मौजूद डाटा को चुरा सकते हैं और साथ ही आपके ईमेल, टेक्स्ट, फोटोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। यह सॉकेट्स हैकर्स को बहुत आसानी से किसी के भी स्मार्टफोन से डाटा मिनटों में हैक करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो अपना पोर्टेबल चार्जर का यूज करें, यह आपके लिए काफ़ी सुरक्षित होता है। मिथ नंबर फोर, मुझे अपने नए फ़ोन का यूज करने से पहले फुल चार्ज करना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि नए फ़ोन को यूज करने से पहले फुल चार्ज ही करें। दरअसल कंपनी में स्मार्टफोन की बैटरी फुल ही रहती है, लेकिन फ़ोन की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ही आधी बैटरी खत्म हो जाती है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स पहली बार यूजर्स को फुल बैटरी चार्ज करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि वह फ़ोन के फर्स्ट इम्प्रेशन को बुरा बनाना नहीं चाहते। दरअसल बैटरी बैकअप के मामले में वह नहीं चाहते कि आपका एक्सपेक्टेशन 8 घंटे की हो और आपको सिर्फ 4 घंटे मिले। बस यही रीज़न है कि फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए सलाह दी जाती है। मिथ नंबर फाइव, मुझे अपने फ़ोन को चार्जिंग 0 होने पर ही करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका फ़ोन 0 पर हो जाए तब ही उसे चार्ज करें। ऐसा करना आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी बैटरी ख़राब भी हो सकती है। असल में होता यह है कि अगर लिथियम आयन बैटरी को पूरा डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी 0% कर दिया जाए, तो हो सकता हो कि बैटरी अपनी फुल कैपेसिटी खो दे और जितना पहले चार्ज होती थी उतना न चार्ज हो और उतना बैकअप भी न दे। ये समस्याएं पिछले पुराने फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रॉब्लम को कई ब्रांड के फ़ोन्स में सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन पुराने मॉडलों में अभी भी समस्या बनी हो सकती है, इसलिए बैटरी को 0 तक जाने न दें। मिथ नंबर सिक्स, एक ऐप बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं खा सकता। दोस्तों सिर्फ एक ऐप आपकी बहुत सारी फ़ोन की बैटरी को कंज्यूम कर सकता है। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिनमें एक कॉमन एग्जांपल है फेसबुक। दोस्तों फेसबुक ऐप भले ही आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, लेकिन यह ऐप बैकग्राउंड में फीड्स को रिफ्रेश करना, मैसेज को अपडेट करना, नोटिफिकेशन को चेक करना जैसे कार्य करता रहता है, जिससे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। कुछ एंड्रॉयड यूज़र का यह भी कहना है कि फेसबुक ऐप को हटाने के बाद उनके अन्य एप्लीकेशन में 15% तेज़ी से चलने में मदद मिली है। इस प्रकार उनके फ़ोन में काफ़ी बैटरी की भी बचत हुई है। तो दोस्तों ऐसे ऐप्स जो बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बैटरी को और भी बेहतर बना सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।